आज ये बात करते हैं कि आपने 70 साल में क्या किया, तो जो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में डिफरेंस है वही किया हमने। हिंदुस्तान की इकोनॉमी आसमान पे है और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जमीन पे है। लेकिन ऐसे चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये हमें पाकिस्तान से भी नीचे ला के छोड़ देंगे। पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर जिस इकोनॉमी की धाक मानी जाती थी, मनमोहन सिंह जी की चर्चा की जाती थी। मैं जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए तो मैं ब्राजील एयरपोर्ट पर बैठा था किसी काम से, तो मेरे को वहां के इकोनॉमिस्ट मिल गए 2-3। बोले आपके आगे क्या जुल्म हो गया, मनमोहन सिंह जैसे आदमी को हटा के आपने एक नए आदमी को सत्ता दे दी। तो मैंने कहा ये डेमोक्रेसी है। और मैं आज सोचता हूं कि उस आदमी का विजन कितना सही था। वो सोचता था कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट को हटा करके ऐसे डमरूबाज आदमी को सत्ता दे दी जिसने कहा कि मैं चौकीदार हूं। अब ये चौकीदारी तो हम देख रहे हैं कि क्या चौकीदारी करी। चौकीदारी के नाम पे अपने चहेतों को करोड़ों अरबों रुपए के लोन दे दिए। अरे जिस कंट्री की इकोनॉमी में कलेक्शन ही 30 लाख करोड़ रुपए का है टोटल, उसमें आपने लाखों करोड़ रुपए एक ही कंपनी पे दाव पे लगा दिए और झूठे झूठे उस पे लगा दिए। जिन जवाहरात की हीरों की कीमत 5% 10% होनी चाहिए, उसको 100% 150% 200% पे लोन दे दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग इसकी डिटेल में जाओगे तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा घोटाला है। ये ऐसे घोटाला है कि जैसे कोई आदमी 5 लाख की प्रॉपर्टी लेके जाए बैंक के ऊपर और उसको बोले और बैंक उसकी 5 लाख की प्रॉपर्टी को 5 करोड़ की बता दे और 5 करोड़ के अगेंस्ट लोन दे दे। इस तरीके से घोटाला किया हुआ है। संपत्ति के नाम पे 0 है हिंदुस्तान की बैंकों का पैसा, और वो पैसा लेकर के इन्होंने, और इसके अलावा भी जो इसने इन्होंने और गड़बड़ कर रखी है वो ये है कि न केवल हिंदुस्तान के अंदर अपने जीने का सामान तो इन्होंने कर लिया, इनको पता है तुम्हारे जूझ पड़ेंगे एक दिन। तो कहीं किसी ने पैसा यूरोप में लगा लिया, किसी ने फ्रांस में लगा लिया, किसी ने जर्मनी में लगा लिया, किसी ने यूके में लगा लिया। लेकिन हिंदुस्तान की जनता बावली नहीं है, सब समझ में आ रहा है। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली है, मंत्री महोदय आपने टारगेट दिया कि 500 आदमी लेके जाना, और हमने वहां जब गाड़ियां भेजी तो 500 आदमी की जगह आदमी हो गए ज्यादा। एक बस भेज रहे हैं तो कह रहे हैं 4 बस भेजो। तो आम आदमी में जोश है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में पूरी कांग्रेस पार्टी एडी का जोर लगाएगी और इनको ऐसी ताकतों को यहां से उखाड़ के फेंकेगी। आप सब लोगों ने इस धरने में पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और ऐसे मसलों को सड़क के ऊपर ला करके इनको नंगा करके छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रफीक भाई। अब एक ऐसी शख्सियत आपके बीच में आ रही है जिसकी आवाज जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में चल रही है इस समय। हमारे जिलाध्यक्ष जी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जोरदार तालियों से स्वागत करें सर, जोरदार तालियों। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और आप सब जानते हैं राजस्थान की राजनीति में जब हम सरकार में नहीं थे तब भी जयपुर के कार्यकर्ताओं ने दम लगाया। सबसे ज्यादा धरने, आंदोलन और प्रदर्शन जयपुर के कार्यकर्ताओं ने किए, उसी के दम पर हमारी सरकार बनी और वो सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जयपुर के कार्यकर्ताओं की रही। क्योंकि जब भी, मुझे अभी तक याद है, हम जब धरने प्रदर्शन करते थे तब से लेकर आज तक मैं जयपुर शहर
जिला कांग्रेस कमेटी का शहर अध्यक्ष, आप लोगों ने जो दम के साथ मेरा साथ दिया, आप ये मानकर चलिए आप जल्दी नए शहर अध्यक्ष आएंगे। उन सबकी भी जिम्मेदारी है कि वो काम करेंगे अच्छा, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं जयपुर के एक एक कार्यकर्ता के लिए मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरी जान हाजिर है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति में सरकारें आती है कार्यकर्ताओं के दम पर। किसी भी नेता को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ नेताओं के नाम पर सरकारें आती है। जब कार्यकर्ता सड़कों पर अपना खून पसीना बहाते हैं तब राजस्थान में और देश में सरकारें बनती। ये कोई दोहरा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, कार्यकर्ताओं के दम पर सरकारें बनती। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी सड़कों पर निकले, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, आपने सबने देखा। राहुल गांधी ने आगे बढ़कर कहा कि जब मेरी दादी को गोली लगी तब मेरे पास स्कूल में फोन आया, फिर मेरे पिता को गोली लगी तब मेरे पास फोन आया, आज मैं सड़कों पर निकला हूं मेरे उस हिंदुस्तान को बचाने के लिए जो हिंदुस्तान को आजादी के सिपाही अपनी जान देकर आजाद करा कर गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, देश को बचाने के लिए मैं सड़कों पर निकला हूं। और राहुल गांधी जी के जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर खड़गे साहब ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी कहा है। हमारे बीच में आदरणीय हमारे यहां की लोकप्रिय विधायक गंगा देवी जी, हमारे विधायक रफीक खान साहब, तो नाम छूटे तो बताता जा, जो विधायक अमीन कागजी साहब, आदरणीय अर्चना शर्मा जी, मेयर मुनेश गुजर जी, ज्योति खंडेलवाल जी, विद्याधर जी, मनोज मुदगल जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, यूथ कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दुष्यंतराज सिंह चुंडावत जी, हमारे एक्स एमएलए नवरंग सिंह जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी शर्मा साहब, भाटिया जी, मंजू जी, सुशीला जी, आदरणीय हमारा कलाकार पंड्या सेपट खड़े होना, ताली बजा के स्वागत करें पंड्या सेपट। ये पंड्या सेपट के बारे में जानते हो कि नहीं आप लोग? पंड्या सेपट राजस्थान का सबसे बड़ा लोकप्रिय कलाकार है और आज ये कांग्रेस के मंच पर है, ये समझ लेना। 156 का नारा चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा और फिर सरकार बनेगी कांग्रेस। पंड्या सेपट हमारे मंच पर आया है, रोज इनके यहाँ पे पार्टियों वाले जाते हैं, पार्टी ज्वाइन कर ले उस्ताद, ज्वाइन कर लो, मांगो पुराना दोस्त है। नहीं यार उस्ताद तू कांग्रेस का मंच पर नहीं आया, छोड़ चली गई मांगो का ही वे लोग। इसलिए हर कार्यकर्ता हर कलाकार अपना सम्मान चाहता है, बैठो। आदरणीय आरआर तिवाड़ी साहब, नाम पूर्ण बोल सी जी को सबका जाने, बोलते जाओ मनोज जी, आप बता दो, आप बताओ। आदरणीय राम सिंह जी कसवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हमारे बीच में, ललित तुनवाल जी है, असगर भाई है, राजेंद्र आर्य जी, अरसा यादव जी, राजेंद्र सेन साहब, साधु राम जी ब्लॉक अध्यक्ष, भरत मेघवाल जी आगे ब्लॉक अध्यक्ष और पार्षद, दीपक रामनानी जी, अरे और भी बताओ ना कांग्रेस, राजेंद्र आर्य जी, और हो गया मनोज मुदगल को लेती हूँ भाई साहब, संजय आर्य जी, और कोई नाम छूटे तो भाई माफ कर देना, विनोद राजीव चौधरी जी ब्लॉक अध्यक्ष, रतन सैनी जी, और कोई नाम छूटे तो नरेंद्र मारवाल जी, पाठक साहब, सब कोई ना है, ओ सॉरी विमल यादव जी, ताली बजा के स्वागत करें। मैंने अरे जंतु ताली बजाओ, आरआर तिवाड़ी जी के बाद पुराना आदमी हमें भी है, आरआर तिवाड़ी जी जेड़ गेड़ा है, और कौन गेड़ा था सा की जेड़, अकेला ही बचे हो तो बाल तो काला है सारा। तो मैं आदरणीय आ जाओ सुरेश जी गुजर साहब, ये
सुरेश जी और इनके सारे साथी हैं जो तुलसी नगर से आए हैं, शास्त्री नगर से बैठ जाओ, आगे आ जाओ या फिर अठन खड़ा हो जाओ, नंबर लास्ट भाषण ही चाल रही है, पर से आ गया सही टाइम पर। ये सुनील जी सब आप लोग इधर आ जाओ। एक बात आप मानकर चलना कि सब लोग या बड़ी तादाद में यहां पर है, ये आंदोलन धरना प्रदर्शन हिंदुस्तान के गरीब को मध्यम वर्गीय परिवारों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आह्वान किया है। आप खुद ये समझ लीजिए, अडानी जी के साथ LIC के लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए, बैंकों के लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए और केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी कहती है इस तरह का छोटा मोटा उतार चढ़ाव बाजार में आता रहता है। सीतारमन जी, ये छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, आम आदमी के 4,00,000 करोड़ रुपए डूब गए भारत के इस मार्केट में। जो पैसे डूबे इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, आपके प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, आपकी नीतियां जिम्मेदार है, आपकी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसलिए आप ये कहकर नहीं बच सकते, इनके मंत्री कहते हैं पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होना चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ता करना आपकी कानूनी और मॉरल ड्यूटी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, आज क्रूड ऑयल के दाम पहले $71 प्रति बैरल पर आए, अब $81 प्रति बैरल पर है। 45 से 40 रुपए पेट्रोल डीजल पर कम करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और आप सब लोग यहां पर आए हुए, आप तय करके जाना परसों मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए 16 ब्लॉक अध्यक्षों को 16 के 16 ब्लॉकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाना है परसों सुबह 10 बजे। ये हर ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, पार्टी वही है, नेता वही है जो सड़क पर निकलकर आंदोलन करने की ताकत रखता हो, नेता वो नहीं है। कांग्रेस के नाम पर कुर्सी तो मिल गई, नेता तो बन गया और दिन भर इसी में लगे रहे कि कुछ मिल जाए। मिलता तब है जब सड़क पर खून पसीना बहाते हैं, तब मिलता है। इसलिए तय कर लेना ये ब्लॉक अध्यक्ष जो बने, मैं मानता हूं ये MLA की इच्छा से बने, मतलब खुला दिमाग को आदमी उधर जानो और MLA आपके दम से बने, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, MLA, MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो अभी हमारा है नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं। नेता बनने के बाद चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे मंत्री हो, वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता से राजनीति हमने शुरू की तब हम चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बने, और ये पंजे के निशान पर कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में वोट मिला। ये मानना पड़ेगा, इंदिरा जी की शहादत, राजीव जी की शहादत, महात्मा गांधी की शहादत, सरदार बेहम सिंह की शहादत, इनके बलिदान से कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। लोगों ने कहा ये वो पार्टी है जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ती है। अब आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अब कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता यदि मेरे पास फोन आता है तो मैं उसका काम करता हूं, मेरे पास आता है तो मैं उसका काम करता हूं। हमारे 5 विधायक जीते हैं यहां से, 3 हमारे प्रत्याशी हैं, सांगानेर, मालविया नगर और विद्याधर। हमारी जिम्मेदारी है, हालांकि फुलेरा से विद्याधर जी भी बैठे हैं यहां पे, प्रशांत जी भी बैठे थे यहां आमेर वाले, और कोई प्रत्याशी बैठे होगी, यही बैठा है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, काम के लिए बहाना नहीं चाहिए। यदि किसी कार्यकर्ता का
मैं रेगुलर बोलता हूं, ये बात कोई नई बात नहीं है। किसी कार्यकर्ता का काम पड़ता है तो उसका काम कराना जिम्मेदारी मंच के लोगों की है, चाहे कुछ भी करना पड़े ये तय कर लेना। बहाना कोनी चले। कई बार हम सरकार में आते, मुझे पीसीसी में कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा मुझसे, बैठे है कोनी, आज खड़े हो राजू खान, आज यही कोनी हमेशा थोड़ा पजामा ले पीसीसी में आ रहे ही कोनी, कमाल कहा है राजू खान, हा राजू खान है, बैठ जा भाई राजू भाई, नहीं नहीं समझ गई टोपी दिख गई। एक दिन इन्होंने मुझे कोई काम कहा, मैंने कहा जिस डिपार्टमेंट का काम हो, यदि मुख्यमंत्री जी के डिपार्टमेंट का काम है तो मुख्यमंत्री जी के घर जाओ, काम बताना सीखो। सर हमसे पार नहीं पड़ती, प्रदेश अध्यक्ष को भी काम बताओ, प्रताप सिंह खाचरियावास को भी काम बताओ, महेश जोशी को भी बताओ, अमीन कागजी, रफीक खान, गंगा देवी, इनको भी बताओ, काम बताना चाहिए। काम बताने से पता चलता हुए कहीं कि मारे घर भीड़ लागेड़ी है, भीड़ी वास्ते कोनी लागेड़ी है, खरी खरी बात बता रहा हूं कि मेरी ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की चलती है, लेकिन भीड़ मेरे लिए मेरे यहां पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरा दरवाजा खुला पड़ा रहता है, इसलिए हर कोई अंदर घुस जाता है। मैं ये जानता हूं चलती मेरी ज्यादा नहीं है, फिर दरवाजा खुला, वो दरवाजा तो खुला ही मिलेगा, मैं नहीं तो स्टाफ मिलेगा, स्टाफ नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां बैठा मिलेगा जो जवाब देगा। होशियार इतना कार्यकर्ता कहेगा, बोले मैंने प्रताप सिंह को फोन मिलाया, उठा नहीं रहा, वो कहेगा तीन बार मिला, फिर कहेगा चौथी बार मिला, पक्का उठाएगा चाहे कैबिनेट में बैठा हो। जब कोई चौथी बार फोन करता है करना तभी तो वो बता देते हैं पोल, तो समझेगा कोई इमरजेंसी है, बाहर आके बात कर लेगा, इमरजेंसी होती है तो लिख देना चाहिए अर्जेंट, बात कर लेंगे। मैं सबसे कहता हूं कि पार्टी में कोई कमी हो तो कोने में बात मत करो, जाकर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मिलो और जाकर बताओ, तो आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही कहलाओगे, राहुल गांधी के सिपाही कहलाओगे। क्योंकि राहुल गांधी तो खुद खुल के बात करते, अभी जब यात्रा पर आए मेरी बात हुई, राहुल गांधी भला आदमी, और यही कारण है आज तक की सबसे लंबी पदयात्रा राहुल गांधी ने किए, सुन लेना आप, राहुल गांधी अकेला आदमी है जिसने 6 साल पहले कह दिया था कि ये अडानी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा, बड़ा घोटाला हो रहा है। तब व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे राहुल गांधी की हंसी उड़ा रहे थे आरएसएस और बीजेपी के लोग, कोई सीरियस नहीं ले रहा था। आज क्या हो गया, राहुल गांधी सही साबित हो गया और प्रधानमंत्री मोदी झूठ साबित हो गया, पूरे देश ने देख लिया। इसलिए ये घोटाला बड़ा है, इस घोटाले से जेपीसी का मतलब क्या है, जेपीसी का मतलब है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वही नाम है को क्यों अर्चना जी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, जो भी पार्टियों के एमपी है अंदर उनकी एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जांच करेगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन निर्मला सीतारामन जी, सुशील मोदी जी कल जयपुर में बोलते हैं, ये तो होता रहता है, अंबानी और अडानी लाखों को रोजगार देते हैं, एहसान कर रहे हैं क्या, इन लाखों करोड़ जो रोजगार ले रहे हैं वहां पे मेहनत मजदूरी करके और तनख्वाह लेते हैं, फोकट में अडानी और अंबानी तनख्वाह नहीं देते किसी को अपनी फैक्ट्रियों में कोई भी। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आज ये धरना प्रदर्शन यहां पर शुरू हुआ है। मैंने देखा यहां पर जब मैं सुबह आया, मुझे आश्चर्य, एक एक कार्यकर्ता मंत्री है, पर चार पुलिस वाला खड़े हैं, बंद कर मिला, मैं क्यों बंद क्यों कर मिले हो, माने ऊपर सु निर्देश है, मां से ऊपर कौन है भाई, ये कई पुलिस अधिकारियों के पेट मोटे हो गए जयपुर में लगे लगे।
कोई 4 साल से लगा हुआ है, कोई 3 साल से लगा हुआ है। होम डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री जी के पास है, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा भी, मैं बात भी करूंगा कि यदि 10-10 साल से कोई यहां बैठे हैं तो ये भला नहीं कर सकते, 4-4 साल 3-3 साल से करोगे क्या? कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और उस कार्यकर्ता की गाड़ी लगाएगा कहां पे? यानी लगाएगा तो क्या बीजेपी करा लेके बाहर जाके लगाएगा? हमारे समझ में कोई नहीं आया। एक मिनिस्टर आया उसको डांटना पड़ा तब उनमें तमीज आई। ये राजस्थान में सबकी जिम्मेदारी है, सरकार वोट से बनती है, हर अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है सरकार की सोच के अनुसार काम करे और कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को जेल भेजना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा पुलिस अधिकारी है, किसी डिपार्टमेंट में कोई अच्छा अधिकारी है तो उसको हम सम्मानित करेंगे, लेकिन प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान में पट्टों को लेकर अब इन 2 महीने तक मैं खुद नगर निगम और जेडीए में बैठकर पट्टे जारी कराऊंगा, नहीं करेगा तो उनके खिलाफ बर्खास्त होगा। ये इसलिए मैं मजबूर हुआ हूं, हमारा पार्षद में चालसू था गंगा देवी जी लेर जासो, गंगा देवी जी में दम है, ताली बजाओ गंगा देवी जी के लिए, वास्तव में दम है, नाम ही गंगा को नहीं है, काम भी गंगा जी से है। विधानसभा में खड़ी होकर और बगरू के लिए लड़ती है, मैंने इनसे कहा है बगरू के लिए पानी की जो बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, खड़े सुर जी जो घोषणा की है वो घोषणा पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं गंगा देवी जी के साथ खड़ा हूं, ऐसे चिल्लाते हैं। गंगा देवी जी धरने पर बैठ गई, मैं एक चिंतन शिविर में एक मंत्री बोलियो कांग्रेस की एमएलए को धरने पर नहीं बैठना चाहिए। मैं ज्ञान मत दे, आप भी मंत्री मैं भी मंत्री, ये हम तय करेंगे कि गंगा देवी बैठेगी या नहीं बैठेगी। काम नहीं होगा तो अगली गंगा देवी मेरे से पूछ के नहीं बैठी, मंत्री जी से पूछ के नहीं बैठी, मुख्यमंत्री जी